आई विल सजेस्टेड यू कि दिल्ली NCR की गर्मी तो आप सब जानते ही हैं. डिडंट एक्सप्लेन यू कि व्हाट्स माय फीलिंग ब्रदर. दोस्तों हम इस बस में मॉल ऑफ इंडिया जाने वाले हैं, तो भाई बताइए मॉल ऑफ इंडिया हम जा रहे हैं, हमको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाने वाले हैं सर? ओके सो हम मॉल ऑफ इंडिया जाने वाले हैं. वहाँ पे पता चलेगा कि हमको पता नहीं है कि मॉल ऑफ इंडिया, हमने सिर्फ नाम सुना है. तो वहाँ जाने से पता चलेगा कितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं या फिर वहाँ का मैनेजमेंट कैसे सिस्टम काम करता है. वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स उपलब्ध हैं. और एक बात ये भी कि मॉल ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा मॉल है इंडिया में. बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों, आपको बने रहिए ब्लॉग के एंड तक. दोस्तों हम फाइनली मॉल ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा मॉल है. तो आइए देखते हैं मॉल ऑफ इंडिया का बाहर का बैकग्राउंड कैसा है, चलिए आपको दिखाते हैं. दोस्तों ये है मॉल ऑफ इंडिया, देख सकते हो ब्रांड बहुत बड़ा है. मॉल नोएडा में स्थित है. दोस्तों फाइनली हम मॉल ऑफ इंडिया के अंदर एंटर कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे. दोस्तों अभी हम मॉल ऑफ इंडिया के फर्स्ट फ्लोर पे हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं. और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे कॉलेज फ्रेंड हर्षित भाई. तो बताइए हर्षित भाई, हमारे व्यूअर्स को इस मॉल के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है. दिल्ली NCR की गर्मी झेलने के बाद, इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद आए हैं. डिडंट एक्सप्लेन यू कि व्हाट्स माय फीलिंग ब्रदर. हाय बोले तो दिल से सुकून जो रहता है ना, वो यहाँ आके मिल गया है. लॉन्ग टोटली एकदम ब्रांड है, ऑल ओवर सारे ब्रांड्स के शोरूम आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे. आपको जो भी लगता है, जिस भी ब्रांड का लगता है, जिस भी तरीके का लगता है, हर एक चीज़ अवेलेबल है. हमारा टॉप क्वालिटी है, नंबर वन प्राइस. आपका आना अगर दिल्ली या नोएडा होता है तो ये मॉल ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि ये मॉल बहुत शानदार है. बहुत ही शानदार मॉल है फ्रेंड्स, और काफ़ी बड़ा है. दोस्तों अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर ही हैं और पीछे एडिडास के जो शोरूम है वो दिख रहा है. हम अंदर चल के एडिडास के जो शूज़ हैं उनके प्राइस के बारे में जानेंगे. चलते हैं फ्रेंड्स अंदर. इसका प्राइस भाई 11,999 रुपये है. ये वाला देखते हैं फ्रेंड्स. दोस्तों ये 17,999 रुपये का है. ये वाले का है 10,999 रुपये. ये वाला भाई 5,299 रुपये का है. दोस्तों हम एडिडास के शोरूम से बाहर आ चुके हैं और हर्षित भाई बताइए व्यूवर्स को कि हमने जो जूते देखे किन किन प्राइसों में थे. सो हाय फ्रेंड्स, दैट वाज द शोरूम ऑफ द एडिडास एंड ऑल ओवर पीसेस आर ओरिजिनल, नॉट अ कॉपी. फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, दैट व्हाट डजंट मैटर, ओनली ओरिजिनल पीसेस. एंड द प्राइस वाज स्टार्टेड एट 10,000 11,000 मिनिमम एंड अप्रॉक्स द प्राइस ऑफ 20,000 अबो देन दे विल बी गिव मी अवर 30% ऑफ. बिल्कुल. अदरवाइज नॉर्मल प्राइस 10,000 12,000 50,000 प्रेजेंट ऑफर, ओनली मेन प्राइस एंड ओरिजिनल क्वालिटी. नॉट अ कॉपी, नॉट अ फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, दैट वाज द ओरिजिनल. तो दोस्तों हम इस वक्त मॉल ऑफ इंडिया के थर्ड फ्लोर पे हैं और हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे.
हाँ तो नितेश भाई, आप पिछली बार नागपुर के मॉल गए थे इम्प्रेस मॉल, वहाँ के मॉल और नोएडा मॉल ऑफ इंडिया के मॉल में क्या अंतर लगा आपको? भाई डिफरेंट तो बेसिकली यही है कि मॉल ऑफ इंडिया अपने इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, जो कि हम एक्चुअली विजिट करने पर देख ही रहे हैं। अभी तक हम लोग पिछले मेरे ख्याल से 3 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं, जिसमें कि हम ये सेकंड या थर्ड फ्लोर पर ही आ पाए और अभी भी ऊपर 2 फ्लोर बचे हुए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और बहुत खुश है यहाँ पे, बहुत दोस्तों। अभी हम 4th फ्लोर में और वाकई में एक अलग ही एनवायरनमेंट है। भाई कितना बड़ा मॉल है भाई ये, चलते चलते पैर दुखने लगे हैं हमारे। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे जो कॉलेज फ्रेंड थे अंशुमन राव से। तो कहाँ गए थे अभी आप, क्या क्या देखे आपने? बहुत सारा एलन सोली देखा, DIY देखा और H&M देखा, पेंटालूंस देखा, पिज़्ज़ा हट है, मैकडॉनल्ड्स है। क्या क्या एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। देखा जाए तो अभी हमने पूरा अच्छे से घूमा भी नहीं है और हम थक चुके हैं, बस हमारा टाइम भी हो गया, हम कॉलेज की तरफ जाएंगे। अमिंग भाई कहाँ कहाँ घूम के आए आप? हम लोगों ने सभी स्टोर चेक किए, बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारे कैफेज हैं, रेस्टोरेंट हैं। और पिछली बार जब हम एंट्रेंस मॉल गए थे नागपुर, तो उसके कंपैरिजन में मॉल ऑफ इंडिया कैसा है? ज़्यादा स्टोर्स हैं और भीड़ कम है। यहाँ भीड़ भी बहुत है भाई हिसाब से, क्योंकि लंबाई में बहुत फिर भी फैला हुआ है। अच्छा मॉल है, इम्प्रेस मॉल से भी बहुत ही बढ़िया, बहुत क्योंकि शानदार मॉल है। शानदार मॉल ऑफ इंडिया बोला जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा मॉल, और व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। बिल्कुल, ये 3 लोग भी अभी चाहे हैं जस्ट, तो पूरा मॉल घूम लिए आप लोगों ने? पूरा मॉल घूम लिए? झूठ मत बोलो भाई, पूरा मॉल तो हम लोगों ने भी नहीं घूमे। तो रिजवान भाई बताइए आप कहाँ कहाँ घूमें और कौन कौन से ब्रांड्स आपने देखे? मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स गया और लग्जरी ब्रांड्स गया, और जैसे टाटा वाले का भी नया ब्रांड माने ब्रांड भी गया। इनके सबसे ज़्यादा मेरे को यूनिक लगा ज़ारा का, जो इनके स्टैचू बनाए हुए और बहुत अट्रैक्टिव लगा, उसमें गया काफ़ी देर तक घूमा। इनफैक्ट इतना चलना हो गया मॉल के अंदर कि लगभग पूरे पैर दुखने लगे, खराब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। बस तैयारी है, बस आएगी और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मोहन भाई, तो बताइए भाई आप अपना अनुभव। अब हम लोग यहाँ से कॉलेज के प्रस्थान कर रहे हैं और हमने आज यहाँ जो इंडस्ट्री विजिट मॉल विजिट किया है, उसमें हमने जो जो सीखा है उसके बारे में आज हमको PPT का कोर्स बनाना है, कम्प्लीट करना है, भाई प्रेजेंटेशन देना है, और उसके बाद हमारे 27 तारीख से मेन एग्ज़ाम है सेमेस्टर वाइज, तो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। कॉलेज के हमारे सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हो चुके हैं, तो कैसा रहा आपका इस मॉल में एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया लगा भाई, यहाँ पे आए थे पर एकदम एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा हमारा, और ये पता चला छिंदवाड़ा इतना डिफरेंट है इसकी। देखते हैं कल आप कौन सा मॉल है अपना? पैसिफिक मॉल है भाई, वहाँ पे क्या कुछ नया देखने को मिलता है। दोस्तों मॉल के बाहर आते ही हमें बहुत गर्मी महसूस होने लगी है, अंदर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि इतनी गर्मी है, बाहर आए तो पता चला वाकई में बहुत गर्मी है भाई। दोस्तों थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिर हमारी बस आ ही चुकी है।